NIIO के सेमिनार स्वावलंबन को आज संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पुंछ में अचानक हुआ ग्रेनेड विस्फोट, सेना के कप्तान और जेसीए हुए शहीद। ओडिशा से छत्तीसगढ़ तक सैलाब का सितम, मुसीबत में देवदूत बनी सेना। कोरोना मामले में आई गिरावट, पिछले 24 घंटे में 16,935 केस हुए दर्ज। भारत के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए वेस्टइंडीज टीम का ऐलान, निकोलस पूरन होंगे कप्तान। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्रदेश का विश्वसनीय चैनल प्राइम टीवी। चलिए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों की ओर। देश के 15वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आज संसद भवन और राज्यों के विधानसभा में वोट डाले जा रहे हैं। इस चुनाव में सांसद और देश के सभी राज्यों के विधायक नए राष्ट्रपति को चुनने के लिए वोट कर रहे हैं। वोटिंग सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक होगी। साथ ही आपको बताते चले कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए पीएम मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए वोट डाले हैं। और आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से दो बड़े दिग्गज नेताओं ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए बैलेट पेपर्स के जरिए अपना मतदान दिया है। आज से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो गया है जो 12 अगस्त तक चलेगा। मॉनसून सत्र में 18 बैठकें होंगी जिसमें 24 बिल पेश किए जाएंगे। वहीं पीएम मोदी ने संसद भवन पहुंचकर सांसदों से अपील की कि सदन संवाद का एक सक्षम माध्यम है, तीर्थ क्षेत्र है जहां खुले मन से संवाद हो, जरूरत पड़ने पर वाद विवाद हो और आलोचना भी हो ताकि निर्णयों को सकारात्मक योगदान हो सके। उन्होंने सांसदों से अपील करते हुए कहा कि मैं आवेदन करूंगा कि सदन को जितना प्रोडक्टिव और फ्रूटफुल बना सके उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। तो चलिए आपको सुनाते हैं इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और क्या कुछ कहा है। ये सत्र मौसम से तो जुड़ा हुआ है। अब दिल्ली में भी वर्षा अपना दस्तक देना प्रारंभ किया है, लेकिन फिर भी न बाहर की गर्मी कम हो रही है और पता नहीं अंदर भी गर्मी कम होगी कि नहीं होगी। ये सत्र मौसम से तो जुड़ा हुआ है। अब दिल्ली में भी अजीब वर्षा अपना दस्तक देना प्रारंभ किया है, लेकिन फिर भी हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला आज फरीदाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने विकास की चाबी के तहत गरीब बच्चों को 5वीं तक की शिक्षा मुफ्त देने का ऐलान किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि शुरुआत अभी फरीदाबाद से की जानी है और आने वाले समय में ये पूरे हरियाणा में शिक्षा की चाबी संस्था के तहत लागू की जाएगी। इसके साथ ही पूरा केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 3 सालों से वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं और आगे भी इसी तरीके से मजबूती के साथ सरकार चलाएंगे। प्रधानमंत्री जी का, जेपी नड्डा जी का, अमित शाह जी का और तमाम एनडीए के जितने घटक दल हैं उनके नेताओं का धन्यवाद करता हूँ। धनखड़ जी को जो बनाने का निर्णय पूरी एनडीए के दलों ने लिया है, मैं बधाई देता हूँ और ये विश्वास दिलाता हूँ कि ऐतिहासिक बहुमत के साथ देश के उपराष्ट्रपति पद को और राज्यसभा के चेयरपर्सन पद को धनखड़ जी सुशोभित।
गाजीपुर में बीजेपी संगठन प्रभारी अशोक मिश्रा ने नगर पालिका और नगर पंचायत चुनाव को लेकर एक बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। इस दौरान बीजेपी जिलाध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष के साथ सभी मंडल अध्यक्ष और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी की मौजूदगी में आगामी नगर पालिका और नगर पंचायत चुनाव को लेकर रणनीति भी बनाई गई। ऐसा है कि हमारी संगठनात्मक संरचना है, ये हमारी बैठकें अनवरत चलती रहती है। हमारा जैसे राष्ट्रीय कार्य समिति होने के बाद प्रदेश कार्य समिति होता है, ऐसे हम लोग जिले की बैठकें होती हैं और हमारे जो भी संगठनात्मक कार्य चलते हैं हम उस पर चर्चा करते हैं कि मेरा किस लेवल तक काम कहां तक पहुंचा है। इसके लिए ये जिला कार्य समिति की बैठक बुलाई गई। वहाँ पर जो हमारा राष्ट्रीय परिषद, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक तेलंगाना में 2-3 जुलाई को हुई थी, तो उसमें जो भी हमारे राष्ट्रीय संगठनात्मक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं उन प्रस्तावों पर आज की बैठक में चर्चा हुई। वो विकास से संबंधित थे, अन्य प्रेस पर संबंधित थे, उन सारे विषयों पर आज की बैठक में चर्चा हुई। गोंडा में कचहरी जिला पंचायत सभागार टीन सेट के नीचे भोलू सिंह की पत्नी और मासूम बच्चा और भोलू सिंह की मां के साथ अवध केसरी सेना के नीरज ठाकुर के साथ सैकड़ों लोग धरने पर बैठे। विधायक प्रभात वर्मा और हत्यारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी करने की पुलिस प्रशासन से सभी लोग मांग कर रहे हैं। वहीं मौके पर पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक ने धरने में शामिल लोगों को शांत कराने की कोशिश की। इसके साथ ही सभी को न्याय दिलाने का भी आश्वासन पुलिस द्वारा दिया गया। गोंडा में अलावल देवरिया से छाजावा मतवरिया बनकसिया तक जाने वाली सड़क का हाल बिल्कुल खस्ता हाल बना हुआ है। सड़क गुणवत्ता विहीन है। पक्की डामर सड़क पत्थर और गिट्टी में तब्दील हो गई है। इस सड़क पर उखड़े पत्थर और गिट्टी से फिसलने पर आए दिन लोगों को गंभीर चोटें आती रहती हैं। आए दिन गाड़ियां भी इन सड़कों पर फिसलती रहती हैं। जानकारी के मुताबिक इस सड़क को बनाने के लिए तकरीबन 452 लाख की लागत भी आई है, लेकिन राहगीरों का दावा है कि जब से सड़क बनी है उसके 2-3 महीने बाद से ही पत्थर और गिट्टी उखड़ने लगे हैं, जिसकी तस्वीरें भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से जहां एक तरफ बारिश का मौसम भी चालू हो गया है, झमाझम बारिश की भी खबरें लगातार कई जिलों से सामने आई हैं। तो अगर ऐसे में सड़कों का यही खस्ता हाल रहा तो जनता को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और लगातार इन सभी सड़कों पर एक्सीडेंट की भी खबरें लगातार सामने आती रहेंगी। भगवान शिव का प्रिय सावन का महीना शुरू हो गया है। सावन में प्रत्येक सोमवार भगवान शिव की पूजा करने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। आज सावन का पहला सोमवार है और आज प्रदेश भर के शिवालयों में शिव भक्तों की भीड़ दिखाई दे रही है। इस साल का पूरा सावन महीना बेहद ही खास होने वाला है और सावन मास 14 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। साथ ही आपको बताते चले कि पिछले 2 सालों से कोरोना संकट होने के कारण कांवड़ लाने वाले श्रद्धालुओं के चेहरे पर भी मायूसी थी, लेकिन इस बार सभी प्रकार की पाबंदी हटने के बाद श्रद्धालु कांवड़ लेने के लिए हरिद्वार रवाना भी हो गए हैं। ऐसे में उत्साह भी और अधिक देखने को मिल रहा है। तो आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर प्रदेश के 4 जनपदों की तस्वीरें भी देख सकते हैं कि किस तरह से आज जो एक तरफ सावन का पहला सोमवार है तो वहीं सुबह से ही मंदिरों के बाहर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भी देखने को मिल रही है और सभी श्रद्धालु भगवान शिव यानी कि अपने आराध्य को प्रसन्न करने में जुटे हुए हैं। सुबह 3 बजे से यहाँ पे भक्तों की लाइन लगी हुई है और दर्शन करने जा रहे हैं। शासन की बड़ी उत्तम और सुंदर व्यवस्था है। सुरक्षा के तहत सारी व्यवस्थाएं आज सावन का पहला सोमवार है और आज फर्रुखाबाद के बहुप्रसिद्ध मंदिर पांडेश्वरनाथ मंदिर के प्रांगण में खड़े हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में भक्तों का आगमन सुबह लगभग 4:30 बजे से शुरू हो गया है। आपको बता दें कि पांडेश्वरनाथ मंदिर का जो स्थापना है वो महाभारत कालीन है और कहा जाता है कि जब पांडव द्रौपदी से स्वयंवर के लिए कांवड़ जा रहे थे तो वहाँ पर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पर उन्होंने पांडेश्वरनाथ मंदिर की स्थापना की थी और भगवान शिव को स्थापित कर पूजा व अर्चन किया था। वहीं आपको बता दें कि जब हमने यहाँ के पुजारी से बात की तो उन्होंने बताया
कि इस मंदिर का विशेष महत्व है और कोई भक्त अगर लगातार 40 दिन आता है और 41 दिन अगर 41 दीपक जलाता है तो उसकी मनोकामना 100% पूर्ण होती है। वहीं आपको बता दें कि बीते 2-3 वर्षों से जो कोरोना काल रहा है उसके चलते यहाँ पे मंदिर बंद रहा था, लेकिन इस बार पूर्णतः कोरोना काल पे बहन के अंकुश है और जो मंदिर है वो पूर्ण क्षमता के साथ खुला हुआ है। और आपको दिखाना चाहेंगे, अपने कैमरा मैन दिखाएंगे, दिखाएं लंबी कतारें देख सकते हैं जो भक्तों की, जिधर भी आप देखें लंबी लंबी कतारें देखी जा सकती है भक्तों की, बड़ी संख्या में जो भक्त है यहाँ पे आए हुए हैं। और हम भक्तों से बात करते हैं। दीदी आपका क्या नाम है, कब से आ रही है? कब से आ रही है दीदी? हम बचपन से यहाँ आते हैं। तो दीदी किस तरीके की यहाँ पे मनोकामना पूर्ण होती है और क्या मतलब रहता है ये ऐसी? आनंद आता है। अच्छा, जो आप बचपन से आ रही हैं पहले से और अब कुछ व्यवस्थाओं में बदलाव हुआ है? आपका क्या नाम है दीदी? आप दीदी कब से आ रही है? बचपन से? अच्छा, बहन है आप। अच्छा, तो क्या लगभग पहले से व्यवस्थाओं में सुधार है और कोरोना काल कारण बंद रहा था तो अब खुला है, तो क्या मनोकामना लेके आई है इस बार? बहुत सारी है। अच्छा, तो जो कहा था 40 दिन में पूरी होते हैं तो वो आपने अनुष्ठान किया है क्या? 40 दिन में मनोकामना पूर्ण हो जाती है लगातार आने से, तो आप वो मनोकामना पूर्ण? क्या कहना चाहेंगे जो महादेव के भक्त हैं उनके लिए? जैसा कि देखा कि जब उन्होंने भक्तों से बात की तो उन्होंने कहा कि अगर कोई सच्चे मन से महादेव का पूजन करता है, पांडेश्वरनाथ मंदिर आता है, तो उसकी मनोकामना पूर्ण होती है क्योंकि महादेव बहुत ही दयालु है और थोड़ा सा ही पूजन करने से वो प्रसन्न हो जाते हैं। जैसा कि आपको बताया कि बहुत ही पुराना मंदिर है, प्राचीन काल मंदिर है। वहीं इस बार प्रशासन की व्यवस्थाएं भी बेहतरीन नजर आ रही है, प्रशासन द्वारा कतारें सही से लगवाई जा रही है। आपको बता दें कि मंदिर प्रांगण से लगभग 200 से 300 मीटर तक लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और जो भक्तों का आगमन है वो निरंतर जारी है। वीडियो के साथ प्राइम टीवी के लिए देवरिया के गौरी बाजार थाना क्षेत्र में पोखर भिंडा गांव के बाहर मंदिर में दर्जनों की तादाद में महिलाएं नाच गा रही हैं। जिले में किसान सूखे की आहट से परेशान हैं, सूखे की आह से सभी लोग डरे हुए हैं। ऐसे में गांव की महिलाएं सावन के इस महीने में भगवान शिव से गुहार लगा रही हैं कि बरसात हो जाए और उनकी फसलों को पानी मिल सके। तो आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से बारिश नहीं होने के कारण देवरिया से एक अनोखी तस्वीर निकल के सामने आ रही है, जहां गांव की महिलाएं बारिश के लिए नाचती गाती हुई नजर आ रही हैं। शंकर भोले बाबा खाने आयल बन जा बरसाने के लिए पोखर भिंडा से। क्या कर रहे हैं आप उस समय? पानी उनी फेंक रहे हैं सब, शंकर भगवान के नहवाने आए हैं, पानी उनी फेंक के मतलब भगवान के बरसाने के लिए। क्या नाम है आपका? गीता। हम लोग आए हैं इस मंदिर पर पूजा करने के लिए। भगवान भोलेनाथ के से प्रार्थना करते हैं कि हम के बारिश होके हमने खेती बाड़ी होके, हम लोग गिरहत आदमी हैं, हम लोग परेशान हैं, हमारे जायदाद झुरा रहे हैं। अभी आप लोग क्या कर रहे हैं अभी यहाँ पे? अभी हम लोग पूजा कर रहे हैं, हम वहाँ पर नाच गा रहे हैं हम लोग। फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी और ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस